हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल पोहे की बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये घर में रखे सामानों से ही सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी पोहा ली हूँ, तो पोहा मोटा या पतला कुछ भी चलेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेनर लेंगे और सारे पोहे को हम इसमें डाल देंगे। पोहे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पोहे को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से इस तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए। इसे हम ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि अच्छे से धुल जाए। हमें पोहा को पानी में डुबोकर नहीं रखना है, सिर्फ इस तरह से इसे हम धो लेंगे। तो इसे मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसी में इसे रहने देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से गल जाए। तो देख सकते हैं पोहे में कितनी गंदगी थी, तो इसे भी हम इस तरह से छोड़ देंगे। सारे पोहे के पानी को मैंने निकाल लिया है, अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं पोहे का सारा पानी निकल गया है। इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से इस नाश्ते का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। यदि हो तो डालें और ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसे हम एक साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बड़े साइज के आलू को उबाल कर ठंडा करके रख लिया है। तो एक ग्रेटर से इसे हम ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट करके लेंगे तो इस नाश्ते का ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे हाथों से मिक्स करके ना लें, तो इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। और इस नाश्ते को जरूर से बनाइएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब जो मैंने दही मिक्स करके पोहे को रखा था, तो सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे। तो बर्तन हमारा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इस तरह से एक बड़े बर्तन में इसे डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 हरी मिर्च को मैंने इसे बीच से पतला पतला कट करके डाला है। मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच लंबे लंबे टुकड़े में गाजर को काट लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। भेजिस आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े में काटा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इसमें हम 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं बेसन ली हूँ, तो इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी ऑप्शन है। तो इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम 1-2 चम्मच बेसन और डालेंगे इसमें। इसमें हम 1 चम्मच बेसन और डालेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आगे हाथों को अच्छे से धो लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेट लिया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी तेल ली हूँ, तो हम थोड़ा सा हाथों में इस तरह से तेल को लेंगे। इसे जब भी बनाएं तो हाथों में हल्का सा तेल लगा लें ताकि हाथों पे अच्छे से चिपके ना। तो मैंने थोड़ी सी तेल लगा लिया है। अब इसके हम थोड़े से पोर्शन को इस तरह से हाथों में उठाएंगे और इसे आप चाहे तो गोल या लंबा शेप दे सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा लंबा शेप दे रही हूँ। इस तरह से हाथों को कर लें और इसे इस तरह से नाप का बनाए ताकि सभी नाश्ता जो है आपका एक समान बने। तो देख सकते हैं मैंने इसे चिकना करके बना लिया और दिखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं।
तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे नाश्ते को हम इस तरह से बना लेते हैं। जब जब इसे बनाएं तब तक थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लें ताकि ये चिपके ना। यदि इस तरह से आप रखकर बनाएंगे तो ये एक ही साइज में बनेंगे और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यदि शाम के समय यदि आपको छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा। तो देख सकते हैं सभी नाश्ता हमारा एक समान बन रहा है। हम आगे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से बनाकर तैयार कर लिए, देख सकते हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। गैस पर एक पैन को चढ़ाएंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। इससे हमें डीप फ्राई नहीं करना है इसलिए तेल हम थोड़ा सा ही डालेंगे। तो तेल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे। और जो मैंने बनाकर रखे हैं गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और एक एक कर इसे हम गरम तेल में डालेंगे। एक बार में जितना आ जाए उतना ही इसे डाल देंगे। एक बार में जितना आ जाए उतना मैंने डाल दिया इसमें। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम करके इसे हम उलटते पलटते एकदम सुनहरा होने तक पकाएंगे। तेज आंच पर नहीं पकाएंगे, नहीं कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से अच्छे से सिक जाएंगे। एक तरफ से हमारा सिक गया है, इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। ऊपर से कितना सुंदर कलर आया है, इसी तरह से हम धीरे धीरे सभी को पलट लेंगे। पलट लिए हैं, अब इसे हम ऊपर से गोल्डन होने तक पकाएंगे। मैंने इसे उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पका लिया। इसे हम तो लीजिए हमारा रमजान स्पेशल पोहे का नाश्ता बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर से कितने क्रिस्पी और मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ में सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।